हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके कुमटियाज ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला छोटों का आशीर्वाद। और कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फिर से इसी खेत से, इसी बाड़े से, जिसे देख देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि रोज़ इस खेत में क्या हो जाता है जिसे ये लेने आ जाती है। तो आज मैं विशेष काम से आई हूँ इस खेत में। मैं मटर तोड़ने आई हूँ, जो हमारे इस सीजन की पहली मटर तोड़ रही हूँ आज यहाँ से। तो इस मटर को हम डालेंगे आज, माइक पानी बनाने का इरादा है तो सोच रही हूँ कि इसमें डालेंगे। तो गाइस, मटर को मैंने निकाल के रख लिया है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है इसको। उतनी सारी मटर दिख रही थी, उसमें से इतनी मटर निकली। माइक पानी बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज, थोड़ी गाजर ली है, थोड़ी शिमला मिर्च लिए हैं और ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। और माइक्रोनी को भी मैंने उबाल के रख दिया है, पहले ही उबाल के रखी हुई है मैंने। तो माइक्रोनी बन चुकी है मेरी, अब मम्मी बांट रहे हैं माइक्रोनी। कैसी हो रही? टेस्टी हो रही। और क्या बनाई किसने? ये चचा लगे हैं दवाई डालने में गेहूं के खेत में। उठाऊं? बहुत मेहनत करनी है। ये वाली दवाई डाल दी। गाइस, शाम का टाइम हो गया है, मैं आई हूँ यहाँ पे लकड़ी लेने। मम्मी ने काट के रखी है। सूर्य देवता भी जाने लग गए हैं अपने घर को। सूर्य देवता ही बोल रहे हैं फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ। तो गाइस, शाम हो चुकी है। उस वक्त किसी वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई उस टाइम से। अब तो रात हो चुकी है, रात का खाना बनाने लग गए हैं हम लोग। रात का खाना हम आजकल जाड़ों में चूल्हे में ही बनाते हैं, बाहर से आग जला के। तो रात के खाने में हम बना रहे हैं आलू के गुटके, बनाने ही बनाएंगे। मुझसे तो फट जाती हैं खाली चावल की, मैं गेहूं मिक्स करके ही बनाती हूँ हमेशा। मैं बनाऊंगी खाली चावल, देखिए ऐसी बनाएंगी ये टप 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 टप। रात के 9 बज चुके हैं, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। बाकी जो काम धाम था, बर्तन वगैरह मतलब सब धो लिए हैं। मम्मी जा चुके हैं सोने के लिए। तो अपने इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।